गुड मॉर्निंग क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू एक्सरसाइज विच इज़ 2.4। ठीक है, 2.4 में क्या है, काफ़ी सिंपल है, जो हमने पिछ प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है वही सब हमको इसमें भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, फाइंड 12 डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट वाला बताती हूँ, बाकी आप सब कर लीजिए क्योंकि सिंपल है और मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 12 डिवाइडेड बाई 3/4। अब नॉर्मल ऐसा दिया रहेगा 10 डिवाइडेड बाई 5, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 5, 5 अंदर 5, 5 टू ज़ार 10, तो ये हमने क्या कर दिया 2। तो अब हमको क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाई 3/4 करना है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 3/4 लिख दिया। ओके, अब 12 डिवाइडेड बाई 3/4 है, तो अब इसको मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी 3/4 का, तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, मतलब जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगी तो न्यूमरेटर मेरा और डिनोमिनेटर मेरा चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 3/4 था तो 4/3 हो जाएगा जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई की साइन कर देती हूँ। अभी यहाँ डिवाइड था तो 3/4 है, लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई की साइन करती हूँ तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 12 इंटू 4/3 कर दिया। अब 3 × 3 एंड 3 × 4 = 12, ये मैंने कटिंग कर दिया। अब मेरा क्या बचा, 4 × 4, तो 4 × 4 कितना होता है, 16। उसी तरीके से आप ये सारे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, सारे जो फ्रैक्शन दिए हैं इसके रेसिप्रोकल निकालने हैं। तो जो रेसिप्रोकल आएगा उसको हमको चेक करना है कि वो रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है या होल नंबर में है, हमको ये क्लासीफाई करना है। तो फ्रैक्शन जो दिए हैं हमको उसका नहीं दिखाना है, हमारा जो रेसिप्रोकल आएगा उसका दिखाना है। तो मैं आपको फर्स्ट वाला, थर्ड वाला एंड लास्ट वाला करके बताती हूँ, फर्स्ट थर्ड एंड एट्थ सेवेंथ सॉरी ये तीन करके बताती हूँ, बाकी आप खुद से करिए, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, 3/7, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो मैंने रेसिप्रोकल निकाल दिया 7/3। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमको कैसे पता चलेगा, अगर डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो क्या होगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। लाइक अभी जैसे 10/5 है, तो ये क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से छोटा है डिनोमिनेटर, तो वो क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे कि डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर ऐसा है 5/10, तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है और ये छोटा है, इससे मतलब इससे छोटा है न्यूमरेटर से, छोटा है न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, 3/7, तो पहले हमको इसका रेसिप्रोकल निकालना था, तो मैंने रेसिप्रोकल निकाल दिया 7/3। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, तो क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड वाले में क्या है, 9/7, तो इसका पहले रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 7/9 हो जाएगा, 7/9 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब एट्थ वाला क्या, सेवन्थ वाला 1/11 है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, 1/11 है तो 11/1 हो जाएगा, और 1 मतलब अगर 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 11 ही आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सिर्फ 11, तो ये क्या हो गया, होल नंबर हो गया, ये कोई फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है, आप कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वही दिया हुआ जो ऊपर था, लेकिन हम क्या कर रहे थे यहाँ पर अभी तक, कि हमको जो भी डिवाइड होता है उसको हम नीचे लेते हैं, तो अब इसको तो हम नीचे ले नहीं सकते, तो हम 2 को डिवाइड करेंगे नीचे। बताती हूँ मैं आपको कैसे, जैसे कि 7/3 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, 7/3 डिवाइडेड बाई 2, अब नीचे 2 के साथ मैंने कुछ नहीं है तो मैंने 1 डाल दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा मतलब इसका रेसिप्रोकल मुझे निकालना पड़ेगा इन दोनों का, जैसे मैंने ऊपर 3/4 का किया था वैसे मैं 2/1 क्या करूँगी, तो मल्टीप्लाई करके मैंने 1/2 कर दिया। अगर आप डिवीजन हटा के डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपको 1/2 कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 7/1 = 7 एंड 3×2 = 6। इसी तरह से मैं फिफ्थ वाला बता देती हूँ आपको, फिफ्थ वाले में क्या है, 3 × 1/2 / 4, तो पहले मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में करती हूँ, तो 2×3 = 6 + 1 7/2 / 4, तो 7/2 / 4 डिवाइडेड बाई 1, फिर इन दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2 × 1/4। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/8, क्योंकि 7 × 7 एंड 2×4 = 2, 2×4 = 8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, बाकी आप खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2/5 / 1/2,
ये वही टाइप का ही है, बस यहाँ पर नॉर्मल नंबर दिया था, यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2, ठीक है। जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई के साइन कर देती हूँ तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी किया है मैंने, इसको डिवाइड कर दिया है और नॉर्मल जैसे मैंने बताया पहले वैसे ही किया है। तो 2 2 आर 4 और 5 1 आर 5। सेकेंड वाला क्या है, 4 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3। तो इसको भी मैं क्या कर दूँगी, रेसिप्रोकल कर दूँगी, या तो फिर मैं पूरा ऐसे स्टेप बाई स्टेप जा रही हूँ, 4 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3। अब ये 2 अपॉन 3 है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँगी, 4 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन 2। 2 तो 2 अपॉन 3 था तो मैंने 3 अपॉन 2 कर दिया। अब ये कटिंग हो रहा है तो 2 से 2 वन ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो 2 यहाँ पर बचा, 3 यहाँ बचा, तो क्या आंसर आएगा, 2 अपॉन 3। ओके, काफ़ी ईजी है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।